Hey, what's up? Good morning, guys. Welcome back to my channel. So today is Christmas, but ये जब vlog आएगा तो I am not sure ये कब आएगा. I hope कि ये New Year से पहले ही आ जाए. तो so yeah, today is Christmas. So Merry Christmas to all of you. So I just celebrated, not celebrated. I have created my Christmas tree. Let me show you. I'm so excited जब क्रिसमस और ये हॉलीडे सीजन शुरू होता है. सो उसका एक और रीज़न भी है, बिकॉज मेरा बर्थडे भी आता है और दैट इज़ नेक्स्ट डे टू द क्रिसमस. तो ऐसा होता है ना हमेशा कि 25th नाइट में बर्थडे सेलिब्रेट होता है, तो क्रिसमस एंड मेरा बर्थडे वो साथ साथ हो जाते हैं. तो उस वो और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है मेरे को. आई गॉट माई बर्थडे गिफ्ट एंड this is from Nykaa. Oh my god, so this I got from Nykaa as my birthday gift, and this is so surprising. And actually it is very very good surprise ki mujhe Nykaa se gift aaya. Aur is bar aaya to mujhe bahut zyada matlab khushi hui. I mean mujhe nahi lagta duniya mein koi ladki hogi jise gifts nahi pasand honge. I literally love the gifts, देना भी और लेना भी, दोनों में मैं बहुत enjoy करती हूँ. ये क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे मिला क्या है. And this is Nykaa Go for Glow Super Hydrated Face Mask. So this is a face mask. मैं आपको अच्छे से ही दिखा देती हूँ. So this is a face mask. It's a peel off mask. Peel off mask आपको पता ही होगा जो लगा के फिर आप उसको ऐसे पील ऑफ कर देते हो. तो ये पील ऑफ मास्क है एंड विच इज मेड इन कोरिया. कोरियन प्रोडक्ट्स आर वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट्स. तो मुझे बहुत ही मतलब खुशी तो हो ही रही है. ऑब्वियसली मेरा बर्थडे है, क्रिसमस है एंड न्यू ईयर है, मतलब कुछ टाइम बाद न्यू ईयर आ जाएगा. तो ये टाइम ही बहुत ही मतलब बहुत अच्छा होता है ना. एक्चुअली बहुत अच्छा होता है क्योंकि इट गिव्स यू वेरी गुड वाइब्स, वेरी पॉजिटिव वाइब्स. और 3 महीने पहले हम गए थे, अगर आपने मेरे हस्बैंड का बर्थडे ब्लॉग देखा हो तो हम 1st अक्टूबर का मैंने बर्थडे ब्लॉग डाला था एंड उसके नेक्स्ट डे ही हम निकल गए थे रणथंभौर को. तो रणथंभौर का भी ब्लॉग है, तो इफ़ यू गाइस हैव नॉट चेक्ड इट तो आप जाके चेक कर सकते हो. मैं लिंकिंग कर दूंगी इस वीडियो में. मी एंड पंकज आर नॉट गोइंग अकेले, वी आर गोइंग विद फैमिली, विद माय फैमिली. मेरी मॉम जा रही है फॉर अ चेंज. मेरी इकलौती मासी है, रियल मासी है, तो हम वहाँ जा रहे हैं. हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो नहीं जा रही थी, क्योंकि गांव वगैरह में होता है ना और ज़्यादा पैनिक होता है. दिल्ली में तो अब नॉर्मल है, इट्स पेंडेमिक इज नॉर्मल. अब कोरोना चल रहा है, लोग घूम रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सब हो रहा है, बट गांव जैसी जगहों में इट्स नॉट नॉर्मल. तो पीपल आर मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं कि दिल्ली से कोई आ रहा है तो भैया कोरोना ही लेकर आएगा. एवरीथिंग इज आई मीन नॉर्मल नाउ. तो वो हम उनको लेके जा रहे हैं फाइनली, कि पता नहीं दोबारा ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि लग रहा है कि दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा. तो इससे पहले कि ये सब हो वी आर गोइंग. आज मैं सोच रही थी अपना हेयर कट करवाऊँ, कहीं दूर नहीं जाना है, मैं अपनी सोसाइटी में ही जाऊँगी और आई होप वो भैया होंगे वहाँ पे हेयर कट करने के लिए. सो लेट्स सी, अभी जाती हूँ हेयर कट करवाती हूँ एंड फिर शाम को निकलना है. तो मिलती हूँ आपको बाद में. सो आई एम गोइंग टू द पार्लर, द सलोन. लेट्स सी 25th में लोग होंगे भी अवेलेबल कि नहीं. सो दिस इज माई सोसाइटी.
कैसा लग रहा है मेरा कट? लुक्स गुड, नॉट बैड. नॉट बैड मींस नॉट गुड. हाँ ठीक है ना, मुझे कट करवाने से मतलब था. लॉकडाउन में मैंने खुद से काटे थे, खुद अपने हाथों से. उसके बाद अब काटे हैं तो अब काटे सीधा. ये टाइम ऐसा होता है कि मुझे सब कुछ नया नया चाहिए होता है. मेरा बर्थडे भी तो है. इट्स नॉट जिम कॉर्बेट, इट्स माई बर्थडे. टुमारो इज माई बर्थडे. अब ऐसा लग रहा है इतना काम करना है, लग रहा थक गई मैं. सो मुझे कोई सोने दे. बट कोई नहीं, फाइनली मैंने हेयर कट करवा लिया है. नाउ आई मेक सम परांठास, कुक सम परांठास, और उसके बाद मैं करूंगी पैकिंग. गाइस सो हम तैयार हो चुके हैं एंड इट्स 10:20. तो अब हम निकल रहे हैं अपनी दिल्ली की तरफ. दिल्ली में मम्मी को पिक करेंगे और वहां से सीधा ऑल द वे टू उत्तराखंड. सो या थोड़ा लेट हो गए हैं, बट इट्स ओके, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता. हमें एक्चुअली मॉर्निंग में ही पहुंचना है ताकि हम पूरा दिन हमारे पास हो. 2-4 घंटे सो के हम वहाँ पे साइट सीइंग करेंगे, जो भी करना है. और फिलहाल हम चलते हैं दिल्ली. मम्मी रह गई है, बाकी जितने लोगों का था सबका प्लान कैंसिल हो गया. तो मम्मी को तो जाना ही था. हमारा मेन मोटिव था ही मम्मी को लेके जाना. तो ठीक है, हम चलते हैं. मम्मी वेट कर रही होगी, वो हो सकता है गुस्सा भी करे. तो चलते हैं. ठीक है पंकु, तैयार हो? यस. ऑल सेट? ऑल सेट. चलो अब चलते हैं, फटाफट भागते हैं. जब मैं घर पहुंची तो मुझे एक सरप्राइज मिला और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी इट. एंड देन आफ्टर सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे और सबकी विशेज लेके हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी. रास्ता में भटक गए थे ना, अब दूसरा ये फॉग हो गया. अब हर चीज अपने मुताबिक तो नहीं मिल सकती ना. सो वी हैव नॉट रीच्ड येट और अभी 7:30 बज गए हैं. क्या हम लेट हो गए और क्यों लेट हो गए ये बताओ पहले. एक्चुअली रामपुर रामनगर इतने कंफ्यूजिंग है कि हम रास्ता भटक गए और कहीं और ही पहुंच गए. फिर हमें पता चला किसी के थ्रू कि हम गलत कट ले लिया था, दैट्स व्हाई वी गॉट रॉन्ग. तो हमको 1 बजे हम निकले थे दिल्ली से अपनी मम्मी के घर से, उसके हिसाब से हमें 7 बजे पहुंच जाना चाहिए था.
और अभी 7:30 हो रहे हैं और हम अभी तक रामनगर तक भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि पहले रामनगर आएगा उसके बाद आएगा हमारा गांव। लेकिन बाहर का सीन देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, आई एम एंजॉयिंग द सीनरी एंड वेदर। वहाँ देखो अब पहाड़ भी शुरू हो गए, वाह कितना मस्त लग रहा है ना। सी यहाँ प्लेन भी है पहाड़ भी है, ऐसी जगह में घर मिल जाए तो कितना मतलब मज़ा आ जाए ना। एक्चुअली मेरी मासी का घर भी वहीं पे ही है, प्लेन है बट आपको पहाड़ भी दिखते हैं तो मस्त हो जाता है एकदम। बट हम पहुँचेंगे कहाँ, मस्त हो जाएगा। 40-45 minutes लगेंगे रामनगर। अभी हमको 45 minutes लगेंगे, मतलब 8 से भी ज़्यादा हो जाएगा, बट कोई नहीं। मेरी नींद एक्चुअली पहले से ही नहीं पूरी हुई थी ना, तभी मैं ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। नहीं तो हमने राजस्थान का ट्रिप 12-13 घंटे हमने ऑल नाइट ड्राइव किया था, तुमने मतलब मैंने साथ दिया था तुम्हारा पूरा, और फिर भी मतलब हम इतने चार्ज थे है ना मॉर्निंग में। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि बस पहुँच जाएँ, वैसे भी होता भी है ना, पूरा रास्ते आप नॉर्मल रहते हो बट एंड आते आते ऐसा लगता है कि बस आप पहुँच जाएँ। आप जब सुबह का जो सूरज निकल जाता है ना उसके बाद ऐसा लगता है कि अब आंखें बंद हो रही हैं। सनराइज भी हो गया है लेकिन अभी दिख नहीं रहा, शायद दिखे भी पीछे से। सी सनराइज भी हो चुका है।